सिर्फ मेरी माँ है वो, तेरी माँ नहीं है? अरे पिछले महीने भी वो मेरे साथ 4 दिन ज्यादा रही है, और इस बार जब तेरी बारी आई तो तू उन्हें लेने ही नहीं आया, और तो और बिना बताए ट्रिप पे निकल गया। चल मैं तो बिना बताए चला गया, तो तूने कौन सा अच्छा काम कर दिया ये? तू तो माँ को वृद्धाश्रम छोड़, तो और क्या करता मैं? तुम बोलो ना, हमें भी तो वेकेशन पर जाना था ना। अरे भाई तुझे पता था कि हमें वेकेशन पर जाना है, हमारी टिकट ऑलरेडी बुक्ड है। मैं उन्हें वृद्धाश्रम पे छोड़ के आया हूँ, कोई उनको सड़क पे नहीं छोड़ा है मैंने, वहां कम से कम वो आराम से तो रहेंगी। अब जब तू वापस आएगा तो वृद्धाश्रम से घर ले जाना। होल्ड कर एक मिनट, आओ अंकल आओ, मैं एक मिनट जरा फोन पे। हैव अ सीट। पर तुझे क्या परवाह पड़ी है, तेरे तो तेरी बीवी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तू मां की सेवा थोड़ा ना करेगा अब, तुझे जायदाद में तो पूरा हिस्सा चाहिए। Then I'll see you in the court of law. Just wait and watch. Thank you, uncle. आपने time निकाला। नहीं नहीं बेटा, तो निकालना ही था, पर क्या बात होगी पुत्र? अंकल मेरे भाई ने सारी हदें पार कर दी हैं, और मैं चाहता हूँ कि अब फैसला होकर रहे। अब आप बस केस की तैयारी करो। मैं चाहता हूँ कि आप उसके खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग सा केस बनाओ, and we'll see him in court. पुत्र विजय, तू नहीं, मैं सुनूंगा, मेरी मम्मा है। नहीं, मेरी मम्मा है। तू कैसे सोएगा आज, तो मेरी बारी बेटा, है। तुम दोनों लड़ो मत, तुम दोनों सो जाना, मैं सो जाऊंगा नीचे गद्दा लगाकर। ओके हैप्पी? दोनों बहुत शरारती हैं, एक सेकंड भी मेरा पीछा नहीं छोड़ते। तुम कल सोए थे ना गोल्डी? बेटा आज भैया की टर्न है। ओके मम्मा, मम्मा पापा ने कहा है हम दोनों साथ सो सकते हैं। बट दिस इज चीटिंग ना, भैया ऐसे बुरा मान जाएंगे। नहीं मम्मा, भैया बुरा नहीं मानेंगे, वो मेरे भाई है ना भैया? अच्छा मैं बुरा नहीं मानूंगा, आज तुम ही सो जाओ। वी आर फ्रेंड्स ना? हाँ भाई, वी आर फ्रेंड्स। बड़ा प्यार है दोनों का आपस में, है ना? हाँ अंकल, और आप दोनों को भी बहुत प्यार करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने अंकल, इन दोनों की ना जान बसती है आपस में, और अपनी माँ को तो ये एक पल के लिए भी नहीं छोड़ते। बाप पर जो गए हैं। बेटा जब तू और तेरा भाई छोटे छोटे थे ना, मैं तब से इस घर में आ रहा हूँ, सारे लीगल केसेस मैं ही हैंडल करता था आपके पापा के। तुम दोनों भाई भी ना जब लगभग इतने छोटे थे ना, अपनी माँ के लिए ऐसे ही लड़ा करते थे, खाने के लिए, साथ में सोने के लिए, साथ में जाने के लिए, मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ किया करते थे तुम लोग। पर आज आज तुम दोनों तो तेरी माँ करने लग पड़े बच्चे। हाँ मुझे तो डर लग रहा है कि बड़े होकर कहीं तुम दोनों को वृद्ध आश्रम न छोड़ाए। अंकल ये वृद्ध आश्रम क्या आता है? अब ये पूछ रहा है तो बताना तो पड़ेगा, है ना? बेटा वृद्ध आश्रम ना ओल्ड एज होम को बोलते हैं, जहाँ ओल्ड पीपल रहते हैं, जैसे दादा दादी, जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना आपकी तरह, जो पहले तो करते हैं मेरी माँ, लेकिन बड़े होके शुरू हो जाते हैं तेरी माँ, और जब वो बच्चे तेरी माँ करते हैं ना, फिर वो अपने मम्मी पापा को ओल्ड एज होम यानी कि वृद्ध आश्रम में छोड़ आते हैं, फिर वो अपनी मम्मी पापा से अलग रहते हैं खुशी खुशी। नहीं पापा मम्मा, मैं आप दोनों के बगैर बिल्कुल नहीं रह सकता। कोई बात नहीं गोल्डी, हम बड़े होकर ओल्ड एज होम के पास ही कर लेंगे, जहाँ हम मम्मी पापा से जल्दी जल्दी मिलने आ सकेंगे। बेटा देखा चक्कर ऐसे ही घूमता है। मुझे एक बात नहीं समझ आती कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अपनी उस आदत को क्यों भूल जाते हैं मेरी माँ करने की, और तेरी माँ शुरू कर देते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बाप कितनी सेक्रीफाइसेस करते हैं, बड़े होकर जब तुम्हारे सेक्रीफाइस करने की बारी आती है तो पीछे क्यों हट जाते हो? समझ में नहीं आता मुझे। सॉरी मैं क्यों आपके पर्सनल मामले में बोल रहा हूँ, ये वकालतनामा साइन कर दो।
नहीं अंकल जी, हमें कोई केस नहीं करना। विजय अभी चलो, अभी के अभी माँ को वापस लेके आएंगे। बच्चे जो देखते हैं वही सीखते हैं। हमारे बच्चे बड़े होकर तेरी माँ कभी नहीं करेंगे। तुम ठीक कह रही हो प्रेरणा, जाने अनजाने में जो हमसे गलतियां हुई हैं वो हमारे बच्चे नहीं दोहराएंगे। We've learned from our mistakes. हम अभी अपनी माँ को वापस लेकर आएंगे। चलो माँ बाप कैसे भी हों, उनका ध्यान देना आपका फर्ज है। वो कितनी मेहनत से आपको पाल कर बड़े करती हैं। आप जब बच्चे होते हैं तो पूरी जिद करते हैं, मुझे ये ले दो, मुझे वो ले दो, चिड़चिड़ापन भी आप दिखाते हो। और जब आपके माँ बाप बुजुर्ग होते हैं तो ओल्ड एज के कारण वो भी बच्चे बन जाते हैं। उनकी जिदें आपको क्यों बुरी लगती हैं? उनकी डिमांड्स आपको क्यों अजीब लगती हैं? अरे अब आपकी बारी है तो आप ध्यान दो ना। एक बात नहीं समझ आई मुझे कि एक माँ के चार बच्चे भी हो ना, बड़े आराम से उन्हें पाल लेती है, पर लानत है उन चार बच्चों पर जो मिलकर भी एक माँ को नहीं संभाल सकते।